नमस्कार, मैं हूं दीपा डेसिलाविस्ट। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम कोजी होम आइडिया में लेके आए हैं वर्टिकल गार्डनिंग एंड इट्स बेनिफिट। वर्टिकल गार्डनिंग में हम आज अपने घर के रेलिंग पे जो हमने गार्डनिंग की है फ्लावर्स की, वो आज हम दिखाएंगे भी और इससे होने वाले फ़ायदों के विषय में भी बताएंगे। तो ये हमने बना रखे हैं हैंगिंग बास्केट, ये हमने बना रखे हैं लाइट वेट के गमले और उसमें ये हमने रेलिंग पे इस तरह से हुक सिस्टम द्वारा हमने एंगल बनाए हैं और फिर हमने इस तरह से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों साइडों में गमले टांग रखे हैं। ये देखिए, इस तरह से गार्डन आइडिया हमने निकाल रखा है। तो इसको कहते हैं वर्टिकल गार्डनिंग। हवा में प्लांट्स लटक रहे हैं, ज़मीन से बिल्कुल दूर। वर्टिकल गार्डनिंग मीन्स होता है ज़मीन से दूर, आप बालकोनी में रेलिंग पे, जहाँ पर आपका स्पेस है, घर पे, ऑफिसेस में, स्कूल्स में, आप इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट या हैंगिंग गमला बना के टांग सकते हैं। ये देखिए, हमने हैंगिंग बास्केट भी इस तरह से टांग रखे हैं। ये हैंगिंग बास्केट सारे, ये देखिए, हमने एक बाहर की तरफ, रेलिंग की बाहर की तरफ इस तरह से टांगा है और ये इस साइड को एक अलग से रो बना रखी है। ये सारे रेलिंग के अंदर की साइड ये टगे हैं, ये सारे एक गमले हमारे टगे हैं और एक लाइन हमारी ठीक इसके ऊपर ये टगी है और तीसरी लाइन हमने जो बना रखी है, तीसरी रो देखिए, ये हैंगिंग बास्केट की ऊपर से हमने ये तार के द्वारा इस तरह से लटका रखा है और हैंगिंग बास्केट्स इस तरह से थ्री रोज एक साथ और एक साथ हमको फ्लावर्स दे रहे हैं और अभी विंटर फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। इसमें हमारे बिगोनिया हैं और क्राइसेंथीमम है, सर्कुलर्स प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो विंटर ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, सारे हमने लगा रखे हैं। तो इस प्रकार से जो वर्टिकल गार्डनिंग होती है, तो बड़े शहरों में क्या होता है, स्पेस कम होता है, तो आजकल वर्टिकल गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने वॉल टेक्निक मेथड भी अपना रहे हैं। वॉल टेक्निक मेथड में से जो आपके ये वॉल है, घर की जो वॉल होती है, इस पे पाइप होते हैं, मोटे मोटे पाइप, इनको फिट कर देते हैं, उस पे होल करके आप गार्डनिंग कर सकते हैं, उस पे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो आपकी पानी की भी बचत होती है, थोड़ा थोड़ा पानी उस पे आप डेली देंगे तो आपके घर को वो खुशहाल बनाएंगे, हरियाली बनाए रखेंगे। और इसके अलावा आप जो बॉटल्स होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, उनको भी लटका सकते हैं इस प्रकार से हवा में, इस जहाँ पर स्पेस कम होता है। तो क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं आपके घर के आसपास, आपके वॉल पे, तो एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन को भी कम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन देते रहते हैं तो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे अभी गाड़ी आ रही है तो इसको भी अवशोषित कर रहे हैं, ध्वनि को अवशोषित करते हैं और आपको शोर कम सुनाई देगा। इसके अलावा ये नमी बनाए रखते हैं हवा में, तो आपके जो स्किन है, स्किन में नमी बनी रहेगी और आपके गले संबंधी बीमारियां,
खांसी वगैरह उनसे भी आपको छुटकारा देगी। तो इस प्रकार से आपके मानसिक स्वास्थ्य को और शारीरिक स्वास्थ्य को ये खुशहाल बनाएंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे और आपका मूड हमेशा खुश रखेंगे। तो इस प्रकार से वर्टिकल गार्डनिंग का ये सारे बेनिफिट्स हैं। आपके जो गेस्ट आते हैं तो उनका भी स्वागत ये हंसते हुए करेंगे। देखिए, क्योंकि फ्लावर्स क्या होता है, हमको हंसना सिखाते हैं, फूलों से हंसना सीखते हैं, तो उन्हें भी खुश रखेंगे। और आप भी अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपके मूड को भी ठीक रखेंगे, आपकी थकान इनको देख के स्वयं दूर हो जाएगी और आपका मन लगा रहेगा। दिन में आप घर में अकेले हैं तो आप इनको निहारते रहिए और स्वस्थ रहिए। तो इस प्रकार से वर्टिकल गार्डनिंग करने से आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपका हल्का फुल्का व्यायाम होता रहेगा, एक्सरसाइज होती रहेगी, इनकी देखभाल आप करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा योगा करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप भी गार्डनिंग का शौक अपनाएंगे तो इसके फायदे होते रहेंगे और आपको इसका शौक बढ़ता जाएगा और पर्यावरण की जो बायोडाइवर्सिटी है पर्यावरण में, उसको भी बढ़ाते हैं पौधे और बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने भी यहाँ पे गार्डनिंग की है, तो हमें भी अच्छा लगता है, आने वाले लोगों को भी अच्छा लगता है और पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।